अब आगे बढ़ते हैं, खबर झुंझुनू से है जहां से एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। यहां मोबाइल नहीं मिलने पर महज 13 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि बच्ची खैरुन्निसा के 10 साल के छोटे भाई के पास मोबाइल फोन था जिसे वो लेने की जिद कर रही थी, लेकिन भाई ने मोबाइल देने से मना कर दिया। इसको लेकर दोनों में नोकझोंक हुई और माँ ने दोनों को डांट दिया। बस इसी बात से आहत होकर, नाराज होकर खैरुन्निसा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बात सुबह आजाड़ी कॉलोनी गोडा पाठक के पास से सूचना आई थी कि खैरुन्निसा पुत्री अब्दुल सत्तार ने चुनने का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंचा, बाद में थोड़ा थोड़ी का दिमाग भी वो खराब था। जब वो सुबह हफ्ता पानी कर कर बोली मैं ऊपर जाऊँ और पेशाब करके आऊँ, भाभी कपड़े धो दी थी और माँ नीचे आपकी बैठी थी, बकरी बकरी रहना चला रही थी और वो ऊपर जाकर बाद में देखा वो काफ़ी देर हो गई, वो नहीं आई। जब जाकर देखा तो वो लटकी भी नहीं।